चलो उसको सरप्राइज करते हैं। पता नहीं कहीं पे गिर गई होगी, मुझे पता भी नहीं चला। सब लोग वहां से भाग गए, देखो व्यू पॉइंट खाली। Hey, what's up guys? Welcome to the new vlog. कहाँ गई? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कब से हो गई थी भाई? तो हम लोग उठे, रेडी हो गए और मैंने अंकिता पे एक प्रैंक किया। अंकिता जाऊँ क्या? जाऊँ क्या ब्लाइंड डेट पे जाऊँ क्या? अब क्योंकि देखो पता है प्रैंक है, इसलिए मना कर रहे हैं। मैंने ब्लाइंड डेट वाला प्रैंक किया था अंकिता पे। नहीं देखो, जाके देख लेना कब से अपलोड हो चुका होगा। वैसे सारा सामान रेडी है, अब तक कोई सामान लेने आया नहीं है। मैं वापस से कॉल करता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया हमको। क्या टाइम हो रहा है? 9 बज रहे 7:30 को जाने का था। हाँ। शिट यार, या कोई लगेज लेने नहीं आया, कब से वेट कर रहे? ओके। वैसे देखिए यार, इतना बुरा प्रैंक नहीं था, मैं कोई परेशान नहीं किया तेरे को, ठीक है? तू हुई वो अलग बात है। हमेशा लोग बोलते हैं यार आप अंकिता को रुलाते क्यों, मैं कभी नहीं रुलाता हूँ। तू रोती है अपनी मर्जी से, मैं तो प्रैंक करता हूँ। जितने लोग मिलते हैं मैं उनको सबको यही बोलता हूँ ना। हाँ तो फिर ऐसा ही था, तो फिर मैचिंग क्यों किया मेरे साथ? मैं पगलेट थी ना, इसलिए मैचिंग। हाँ पगलेट, देखा, एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर क्या प्रॉब्लम है तेरे को? एनीवेज ये है हमारे 4 बैग है, लैपटॉप बैग, इसका ये फालतू सा पर्स। अभी गुस्से में तो कोई बात नहीं करेगी पक्का, फिर मैं नहीं करूँगा तो फिर पछताएगी। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। चलो फाइनली सामान जा चुका है, कार निकाल। भैया ने हमको सबसे पहले क्या बोला पता है? क्यों इतना लेट निकले हो आप? एक्चुअली इन्होंने ही हमको किसी का कांटेक्ट करवाया था। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली इन्होंने हमको कांटेक्ट करवा के दिया था देव भाई से, जिन्होंने हमारी कैब्स वगैरह मतलब इतने दिन की सारी कैब्स बुक करके दिए। तो या वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू प्रवीण भाई, जो कि रत्नमौली पैलेस में। क्योंकि जब पता है जीरो के लिए नहीं जरूरत है कार्ड की, देखिए स्कैन करने की मजा आ रही है देखो। हैं, मैं कैसा लग रहा था कोने में खड़ा हुआ हूँ मोबाइल लेके। गुड मॉर्निंग चेकआउट, द स्टे वाज वेरी नाइस, स्पेशली द फूड। गुवाहाटी से निकल रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं हम मेघालय साइड। मतलब पहला दिन हम जा रहे हैं शिलोंग। शिलोंग में एक्चुअली नहीं, वो तो आगे बताएंगे, पर पहला दिन हम जा रहे हैं शिलोंग और वहाँ पे एक्चुअली जो होटल हमको बुक करनी थी वो मिली नहीं। मतलब हिरन जस्ट बुकिंग कर रहा था एंड जैसे उसने नहीं, पहले से पहले जो किया करनी थी वो चली गई, सोल्ड आउट हो गई, दूसरी सोल्ड आउट हो गई, तीसरा जो था वो जस्ट पेमेंट पे गया, वहां पे लिखा होगा सॉरी सोल्ड आउट। यार शिट, उसके फाइनली एक और होटल किया। फिर हमने सोचा था कि एक दिन पहले करेंगे, बट उसी वक्त सारे होटल बुक कर दिए हिरन ने, बैठे सारी के सारी। बस एक लास्ट दिन का बाकी है गुवाहाटी से पहले जब हम रुकने वाले, वो एक दिन का बाकी, बाकी सारा का सारा मैंने बुक कर दिया। काफी लंबा ड्राइव है तो हमको ले जा रहे हैं भैया। भैया आपका नाम क्या? राहुल कुमार। और राहुल भैया हमारे साथ ही रहने वाले, अब एंड तक ट्रिप के एंड तक हमारे साथ यही रहने वाले। हाँ राहुल नाम सुना अभी उन्होंने बताया। तेरा नाम क्या है? अंकिता। पता नहीं सुना है, मतलब ठीक बोर हेयर नेम। यार गजब लाइट आ रही है तेरे पे और मैं तेरा फोटो नहीं खींचूंगा, जस्ट इमेजिन मजा आएगी। यहाँ पे आसाम खत्म ना, अब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश आ रू है ना। देखो बैठे बैठे सो गया है, सोते हो कितना शांत और अच्छा लगता है। तो सरदार जी दा ढाबा हम यहाँ पर आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरे गले को क्या हो गया, भूख लगी है ना। तो हमने मंगाया है छोले भटूरे और वो मैं दिखा दिया बाहर से, बाहर से अंदर आए हम। और भाई इतनी तकलीफ होती है ना हर जगह पर, इसको चाहिए होती है बिना शक्कर की चाय। चाय जनरली कहीं पे भी जाओ ना तो रेडी होती है। हाँ कम शक्कर की अगर मतलब कहीं पे होती है अलग अलग कम शक्कर और नॉर्मल तो मिल जाती है, पर बिना शक्कर की चाय कौन रखता है? पीती है पर रखता कोई नहीं है। और ये हर जगह बिना शक्कर की मांगती है, पर हमको यहाँ पे फिर अरेंज करके दिए क्योंकि वो भैया जी हमारे वीडियोस भी देखते हैं और वो भैया जी ने स्पेशली जाके हमारे लिए अरेंज करवा दिए बिना शक्कर की चाय। यार इसको शक्कर बिना की कॉफ़ी भी नहीं होती, काली कॉफ़ी भी नहीं होती, कड़वाहट मतलब ज़िंदगी में भरी हुई है इसके जहर। और फिर भी मेरे साथ भी है, और फिर भी मेरे साथ भी है, कितना कड़वा मेरे साथ रह के कड़वा की आदत पड़ गई है क्या भाई? यार धीरे धीरे ना, जैसे थोड़ा सा भी निकले ही हैं आसाम से भाई, ठंडक धीरे धीरे फील हो रही है, मज़ा आ रही है। और मुझे ना यहाँ पे वो वाली फील आ रही है, पता है
जम्मू कश्मीर वाली मस्त। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये करंट की स्टिक्स मिल गई है जो एक्चुअली हमने नेपाल में खाई थी और अंकिता को ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, उसको पता नहीं कि यहाँ पे मिलती है, तो चलो उसको सरप्राइज करते हैं। मैंने अचानक किसी के हाथ में देखी मेरे को पता चल गया कि चलो सरप्राइज देना चाहिए। अभी देखना उसका एक्सप्रेशन। ओए सरप्राइज यहाँ मिलती है मस्त ना वही बिना शक्कर की चाय आ गई अंकिता की। कभी कभी ये सब देख के मुझे लगता है इसलिए तुझे मैं पसंद हूँ क्या? यस तुझे कड़वा है वो भी नीम पे चढ़ा। तो मुझे तो मीठा चीजें पसंद नहीं है। तेरे में इतना कड़वापन है वो मैं नहीं। तो तुझे डाउट होना चाहिए कि अब मुझे तो पसंद है भी या नहीं है। अरे हमारे छोले भटूरे पे आ गए। छोले भटूरे मेरे हलवा इसका हो गया। ओ भाई बहुत यम्मी है। छोले अलग है पर छोले की जगह चने मतलब पर गजब टेस्टी है। सुपर टेस्टी है। मज़ा आ गया। अब नहीं प्रॉपर लग रहा है सरदार जी का ढाबा है ना। फील आ रहा है पंजाबी है। मस्त जेन्यूनली बहुत अच्छा नाश्ता। तो हमारा बिल आ चुका है। ओ भाई अंकिता 147 पर इतना कम बिल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें तो हमारा अहमदाबाद हाट वाला भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अंकिता तो इसी में खुश है कि आए मज़ा आ गई। हलवा खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं टेस्ट भी नहीं कर रहा है मालूम है। पूछा तक नहीं बने मेरे को। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और भाई सच बता रहा हूँ अगर आप यहाँ से मतलब गुवाहाटी से शिलोंग साइड जा रहे हैं बाई रोड और यहाँ पे सरदार जी का ढाबा है ना यहाँ पे आना गजब मस्त मजा आ गया मतलब खाने की। और छोले भटूरे मंगाना छोले भटूरे और उसके साथ हलवा आए हाय मजा आ गई। और उन्होंने इतना अच्छा भी करके दिया कि इसको चाय पिला दी बिना चीनी वाली। इसको मैं जनरली इसको मैक्सिमम रिजेक्शन ही मिलता है जहाँ भी काफी जगह तो अंकिता खुद रिजेक्ट करती खुद को जाके बोलते थे मुझे मालूम है नहीं मिलेगी और कभी कभी वहीं से मिल जाती है। सेल्फ रिजेक्शन खाने खाने के बाद एनर्जी आई है लग रहा है। अभी ये पागल हो गई है। इसको मैंने ऐसा लग रहा है मैं कितनी भी अच्छी गिफ्ट दी हो ना उससे वो इतनी खुश नहीं हुई जितना ये इस चीज से हुई है। एक साल हो जाएगा एक्चुअल में अलग से बैग ले ले तो जितने भर के लेने साथ में ले ले पर ये त्रास मत देना। वहां जाके बोलती है यार ऑनलाइन करंट मिला ऑनलाइन कैसे मिलेगी उसके लिए कस्टम ड्यूटी तुम्हें करंट वाले प्लीज यार गुजरात में भी प्रोवाइड करो एटलीस्ट बॉम्बे प्रोवाइडेड है। पर जो प्राइस पड़ेगी ना उसमें तो इंटरनेशनल डोरिटोस कितनी बार खा लेगी फिर से तुम्हारे रूट से वापस से। ये जैसे जैसे मजा आ रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उतना ठंडी बढ़ती जा रही है। सेम वो जम्मू कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है इधर मज़ा आ रही है। और जम्मू कश्मीर इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर वॉज वन ऑफ मतलब वन ऑफ नहीं आर बेस्ट गजब ट्रिप थी। वापस जाने का मन करता पर यार ये और मम्मी दोनों का नेचर ऐसा है ना कि वहाँ जा चुके वापस क्यों जाना यार इतने मजा आती है। मैंने जम्मू कश्मीर का बोला था मैंने बोला कि 31 के वक्त नहीं जाना जैसे मुझे नेपाल जाना है बार बार जैसे हम क्या कोई भी इंसान ऐसा नहीं सबसे पास की डेस्टिनेशन में घूम के आ जाते हैं वैसे मुझे नेपाल बार बार जाने का मन करता है। मजा आती है क्योंकि जहाँ पे मतलब कनेक्शन बन जाता है जहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन बन जाता है। जॉन को कॉल किया था मैंने दिखाया और मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले जॉन की गई है खिलाने वाले जॉन। तो हमने स्पेशली जॉन भाई को वीडियो कॉल किया और उनको दिखाया उनसे बात की बहुत टाइम के बाद मजा आ गई। अब उनसे बात करने के बाद मुझे वापस जाना है नेपाल और हम जाएंगे कुछ भी हो ये अगर मना करेगी ना नहीं एक सेकंड रुक मेरी बात खत्म होने दे। और सीरियसली बोल रहा हूँ अगर ये मना भी करेगी ना तो मैं जाऊंगा पर नेपाल तो जाऊंगा। बस जॉन जी ने तो ट्रैवल एजेंसी खोली है खुद की और प्रमोशन मतलब इस बार हम भी जाके ज्यादा बढ़ा देंगे। जॉन भाई तो ऐसे घर जैसे है मजा आ रहा है मतलब हमारे जो बहुत अच्छे दोस्त है ना उनसे भी अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं। और ये देखो मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त आ रही है नज़ारे मस्त है। और इसको देखो
सो गई, इसको पता भी नहीं क्या चीज़ें मिस कर दी है। उठाऊंगा तो चली जाएगी कि सोने दे थोड़ी देर। देखो अंकिता, ओए मस्त ठंडा का नज़ारा देख तो सही बात देख रहा। उठना, उठ 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 ना। तो यहाँ पे एक्चुअली स्पेशली रोकी थी पानी की बॉटल से लेने के लिए। ये ला पकड़ना अंकिता, तीन ही तो लिए, क्या इतनी सारी, कभी भी काम लग जाएगी, ठंडी का एटमोसफियर ठंडी रहेगी। मैंने एक्चुअली वहाँ से पानी की बॉटल ली थी ना, मैंने बात करते करते यहाँ पे रखी थी और फिर मैं भूल गया पता नहीं कहीं पे गिर गई होगी, मुझे पता भी नहीं चला। चल थैंक गॉड ये उठी तो सही इस बहाने। गुड मॉर्निंग, मैं वीडियो में बताया कि तो उठी नहीं थी, सो गई। और अभी थोड़ी देर पहले इसने लाइव स्ट्रीम किया, मैं इसको बोला, मैंने बोला ये रास्ते में और ऐसे पहाड़ों में जाके लाइव स्ट्रीम क्यों कर रही है, ऐसे फॉर्म में आके मेरे पे प्रैंक करने के लिए लाइव स्ट्रीम कर दिया। और वो प्रैंक का बीच, हो गया, वो बीच, हो गया, लोगों ने देखा भी, बीच लाइव में बंद हो गया लाइव, बाय भी नहीं बोल पाई किसी को। बट मैं बोल रही हूँ प्रैंक तो सबने देखा तेरे पे। हाँ तो तूने रिकॉर्ड तो नहीं किया ना, पोपट हो गया ना, सेव भी नहीं हुआ तेरे लाइव। लाइव वालों देखा ना, वो एक्सक्लूसिव लाइव वालों के लिए था, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और मैं लाइव आ गई तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो। सुन लिया, आप कर रहा है हिरन 360 की वीडियोस जो आपको देखने मिलेगी। आप ब्यूटीफुल उमिंग लेक देखो, प्रोनाउंसिएशन आता नहीं है पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। 360 शॉट लेने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ से उमिंग लेक को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज है, जहाँ से यहीं से इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई होती है, पर यहाँ से जो ब्रिज क्रॉस करने का है ना वो कंस्ट्रक्शन में है, तो दो साइड की जगह पे एक साइड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो एक ही साइड से आने वाली भी गाड़ियाँ भी आ रही है और जाने वाली भी जा रही है, तो कुछ कुछ गाड़ियाँ पहले वहाँ से छोड़ते हैं फिर यहाँ से छोड़ते हैं, तो इस वजह से पूरा यहाँ से देखो पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है। सामने से इतनी गाड़ियाँ छोड़ी है, अब इसके बाद हमारी साइड से छोड़ेंगे तब जाके ब्रिज क्रॉस होगा। अच्छा तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, इस वजह से बंद है पूरा का पूरा। हाँ नींद में उठ के बढ़ रही है, देख तो सही अचानक नज़ारा दिखा नहीं तेरे को। फाइनली अंकिता उठी है यार, ये गाने बजा रहा, थोड़ा आगे जाते हैं, गाना तो अभी भी यहाँ पे सुनाई दे रहा है। मेरे को कॉपीराइट का टेंशन है इसलिए मैं उस साइड ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया। हम लोग आए उमियम लेक के व्यू पॉइंट पे, अब यहाँ से हम तुरंत निकल जाएंगे क्योंकि व्यू लेके, हाँ लेक देख लिया, हो गया, मजा आई। उस साइड काफ़ी चीज़ें जो वाटर का क्या बोलते हैं राइड वगैरह वगैरह होती है ना, उसमें फिलहाल इंटरेस्ट है नहीं हमको ज़्यादा, यहाँ पे वो तो हर जगह होती है, हम कर ही लेते हैं। ये देखो ये है उमियम लेक, लुम नेहरू पार्क, अच्छा नेहरू पार्क का है वो बोर्ड, तो हर लेक के बीच में जो भी पार्क होता है वो नेहरू पार्क ही होता है। ये मैंने भी नोटिस किया एक्चुअली, हर जगह पर ऑलमोस्ट हर जगह कहीं पर भी। हाँ और ये देखो यहाँ पे नीचे बोटिंग्स वगैरह होती है। तो यह ये है उमियम लेक और चलते हैं। चल वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देखते हैं। अच्छा ये रूल्स हैं, अगर आपको पढ़ने हैं तो पढ़ लेना पॉज करके, और ये देख लो एक बार। पर ये है ना काफ़ी क्यूट डस्टबिन रखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, लोगों ने डाले हैं डस्टबिन में डाला है, पर बाहर तो डाला ही है फिर भी, पर इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं पर एक्चुअली कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो यहाँ पे है ना जो हेल्प कर रहे हैं सब, वो लोग अगर कचरा कोई करते हैं तो इसमें डाल देते हैं लेके, पता है वही तो बेवकूफ होता है। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कचरा डालते हैं, जो कचरा डालते हैं वो उठा के ये लोग डाल रहे हैं, ये देख जैसे कि ये लोग देख डाल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छी बात, फेंकने वाले लोग अकल के अंधे, अकल के अंधे नहीं, मैं तो कुछ अलग ही लैंग्वेज में बोलना था वाला था, पर मैं ऐसे छोड़ फिर बीप करना पड़ेगा, अकल के अच्छा। भाई किसी को बिना पूछे है ना सब, भैया जी ने अचानक है ना पानी डालना चालू कर दिया, सब लोग वहाँ से भाग गए। देखो अंकिता व्यू पॉइंट खाली। वहाँ पे क्लीनिंग वाले आए, अंकिता मस्ती दिखाता हूँ इधर देख। देखना अंकिता देखना, देख तू आके देख ले। तो चलो फाइनली हम शिलोंग की प्रॉपर सिटी में पहुंच चुके, पर भाई यहाँ पे तो कितनी ज्यादा भीड़ है, मतलब ये क्या है प्रॉपर, ऐसा लग रहा है प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और सारी पब्लिक इधर ही आई हुई है।
घंटा दो घंटा प्रॉपर पुलिस बाजार पहुँचने में लगेगा। बाप रे। अरे सिर्फ कितना 3 से 4 किलोमीटर दूरी।